तो यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है और परीक्षा शुरू होने से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। बांसगांव गोरखपुर की एक महिला सिपाही समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। संदिग्धों के मोबाइल से 5 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले हैं। पुलिस टीम को पैसों के लेन देन के भी सबूत मिले हैं और इसी का जिक्र अभी रजनीश भी कर रहे थे कि हजारों फोन्स हैं जिनको सर्विलांस पर रखा गया है और उन पर नजर रखी जा रही है। और देखिए इसी क्रम में एक कार्रवाई भी हुई है और इसके बारे में जानकारी भी मिली बांसगांव में, जहां पर परीक्षा शुरू होने से पहले पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। गोरखपुर की एक महिला सिपाही समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। संदिग्धों के मोबाइल से 5 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले हैं। पुलिस टीम को पैसों के लेन देन के भी सबूत मिले हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा जो आज से शुरू हो रही है उसमें गड़बड़ी करने के उद्देश्य से जो हो रही थी उसके बारे में जानकारी मिली और उसके आधार पर 4 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है। अभी रजनीश हमारे संवाददाता अभी बता रहे थे कि बड़ी संख्या में फोन को सर्विलांस में भी रखा गया है। जिन पर शक है उन लोगों के फोन को सर्विलांस पर रखा गया है और नजर रखी जा रही है और इसी क्रम में ये कार्रवाई भी हुई है। जानकारी मिली फोन के में एडमिट कार्ड थे कुछ स्टूडेंट्स के जो अभ्यर्थी हैं एग्जाम देने के लिए जा रहे थे, उसमें एक महिला पुलिस भी है और 4 महिला पुलिस सहित 4 लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। हम आपको बता दें कि ये परीक्षा आयोजित जब हुई थी तो उस समय क्वेश्चन पेपर आउट हो गया था, उसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और आज से एक बार फिर से ये परीक्षा शुरू है।